हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आज हम शुरू करेंगे जो बहुत बेहतरीन मैच होने वाला है, बांग्लादेश का और श्रीलंका का। और बांग्लादेश जो है बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है, सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, और श्रीलंका की हालत ख़राब है, वो मैच नहीं खेल पा रहे हैं बिल्कुल भी, और वो ना ही बैटिंग कर पा रहे हैं, तो मैच हार चुके हैं काफ़ी। तुम्हें भी पता है इस चीज़ का। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं हम। इसमें क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैंने एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया और 4 घंटे बाद मैच शुरू होगा। और आज मेरे लिए मेरे पास आपके लिए बहुत बेहतरीन खबर है। आज कौन खिलाड़ी खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, मैं आपको सब बताऊंगा अभी से। ये देखिए, मैंने ड्रीम इलेवन खोल लिया और अब मैं बता दूँ आपको, जिस ग्राउंड पे मैच होने वाला है उस ग्राउंड पे जो है बॉलर को ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। शुरू शुरू में 1 घंटा मदद मिलेगी बस, उसके बाद जो है बैट्समैन को ही मदद मिलने वाली है। और एक बात ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के जो बॉलर हैं प्रदीप नोवान प्रदीप को मत लीजिएगा, क्योंकि नोवान प्रदीप नहीं खेलेंगे आज की मैच में। नोवानी प्रदीप को जो है फिंगर इंजरी हुई है और वो बाहर रहेंगे। दूसरा, बांग्लादेश की तरफ से भी चेंजेस होते हैं, यानी कि दोनों टीमों में चेंजेस होने लाजमी हैं, क्योंकि दोनों टीमें पिछले मैच हार कर आ रही हैं। बांग्लादेश भी पिछला मैच हारी है और इधर से ये भी हारी है, ठीक है, श्रीलंका तो हारती आ रही है। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश जो है श्रीलंका को मैच हराती आ रही है आज तक जितने भी, क्योंकि बांग्लादेश इतनी टक्कर की टीम बन चुकी है कि उन्होंने श्रीलंका को निदास ट्रॉफी से बाहर किया, उन्होंने श्रीलंका को एशिया कप से बाहर किया, ठीक है। तो श्रीलंका को जो है जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है, और बांग्लादेश के सारे खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। जहाँ तक की बात करूँ साकिब उल हसन की, साकिब उल हसन से लेकर मुस्तफ़िर रहीम एंड आपका सरकार, सोमे सरकार, ये सब जो हैं अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और अच्छे रन बनाएंगे। और हो सकता है इस बार जो मोसद्दिक हुसैन हैं, जो इनके बॉलर हैं, वो ना खेलें आज। उससे उसके 50-50 चांसेस लग रहे हैं कि वो बाहर रहेंगे और उनकी जगह पर कोई दूसरा बॉलर आएगा, और यहाँ से मिथुन की जगह पर लिटन दास को खिलाया जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन खिलाड़ी भी लीजिएगा लेकिन प्रदीप को मत लीजिएगा। अगर प्रदीप आपने लिया है, प्रदीप को हटा लीजिएगा श्रीलंका की तरफ से, उनकी जगह पर एक दूसरे बॉलर हैं उनके, वो खेलेंगे ए जायद, ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कौन सा कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करना है और क्या करना है आपको, ठीक है। देखिए, कॉन्टेस्ट मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं ये दो, एक 99 वाला, एक 199 वाला, ठीक है। अब टीम देख लीजिए मेरी, आप मैंने टीम बना रखी है जो मेरे को पता है कि कौन सी टीम से मुझे जिताएगी, किस टीम पर मैंने 199 वाला दाव खेला है। दोनों में मेरे, देखिए इसमें मेरा साकिब उल हसन कैप्टन है और वाइस कैप्टन सरकार है, रहीम, तमीम इकबाल, कुशल परेरा, मैथ्यूज़ और ये जिनका ओपनर है श्रीलंका का, ठीक है, साथ में मुस्तफ़िर रहमान, ए जायद और सैफुद्दीन को लेना मुझे बहुत ज़रूरी है। सैफुद्दीन एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर जो है बांग्लादेश में निखर कर आ रहे हैं, और वो बहुत अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं आज की डेट में, उनकी बैटिंग आती है नीचे तो। और ऊपर से सबसे अच्छी बात ये है कि वो बॉलिंग में 3-2 विकेट आराम से ले रहे हैं हर मैच में, ठीक है, सैफुद्दीन को लेना ज़रूरी है। उससे लकमल को ले लीजिएगा या मलिंगा को, जिसको आप लेना चाहें उसको ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉइंट्स के हिसाब से अपना देख लीजिएगा आप। ऐसे मैंने यहाँ पर देखिए कि मलिंगा लिया हुआ है और इसमें लिया हुआ जो उसकी जगह पर खेलेगा, प्रदीप की जगह पर ये खेलेंगे वुंडर से, ठीक है। मेहंदी हसन, सैफुद्दीन, शकीब अल हसन, सरकार, तमीम इकबाल, रहीम, कुशल परेरा और तिशारा परेरा, ये सब लीजिएगा, ये टीम परफेक्ट बनेगी आपकी, ठीक है गाइस। और कैप्टन बनाना आपके लिए जो है शाकिब अल हसन को बहुत ज़रूरी है, इसी को बनाइएगा कैप्टन, ताकि आप जो है मैच में आराम से इनकम कर सके। जितना देखिए मैंने लगाया है, कल तो मैच का रद्द हो गया था, कल तो मैं जीत नहीं पाया कुछ भी, लेकिन आज के मैच में जो मैंने आपको बताया है, मेरा प्रडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। और बांग्लादेश के जितने भी मैच हुए हैं, हर प्रडिक्शन में मेरा प्रडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट बैठा है हर मैच में। और हर मैच में मैं एक बार 2 लाख जीत रहा था, एक बार 1 लाख जीत रहा था, और एक बार 1,000 जीत रहा था मैं, ठीक है। तो आराम से इजीली मैं बांग्लादेश के हर मैच में जीतने लगता हूँ, बट जीतता भी हूँ, मतलब कि मोटा अमाउंट मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, मैं 2 लाख तक पहुंचता हूं, लेकिन फिर एंड में एक बॉलर की गड़बड़ हो जाती है, एक ही बैट्समैन की, एक ही प्लेयर की प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी 10 प्लेयर मेरे बिल्कुल प्रिडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। तो वो उसी प्लेयर की वजह से, पहले मेहंदी हसन की वजह से हुआ था और इस बार बेन स्टोक की वजह से हुआ था, ठीक है। दोनों में मैं एक में 1,000 जीता, एक में दूसरे में मैं 600 जीता, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी टीम बनाइएगा, जैसे मैंने आपको बताया, ये टीम रखिएगा एज इट इज, जो मैंने आपको सामने टीम टू बनाई है और टीम वन बनाई है। टीम टू ये रही और टीम वन ये रही।
यहाँ पर बैट्समैन को ज़्यादा मदद मिलेगी। कोई भी एक खिलाड़ी अगर शतक मार गया तो आपका काम आराम से हो जाएगा, और साकिब अल हसन तो आराम से विकेट भी लेंगे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।